नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं बात करूंगी मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की, किस तरह से कौन सी पार्टी ने कौन सा कार्ड खेला है इस बार होने वाले विधानसभा चुनावों में। तो इसी के चलते बता दूं कि चुनाव में अब दंगों का जो जिन है वो जागता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने खरगोन पर एक दाव खेला है, वहीं बीजेपी ने मुस्लिमों को एक डर दिखाया है। तो पूरी खबर आपको बता देती हूँ कि किस पार्टी ने कहाँ से क्या कार्ड खेला है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। नेता एक दूसरे को घेरने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, कोई भी कोर कसर नेताओं की ओर से नहीं छोड़ी जा रही है। और इसी बीच लाइमलाइट से गायब खरगोन दंगा चुनावी मुद्दों में अब कूद गया है। और मध्य प्रदेश के लोगों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने सरकार बनने पर खरगोन दोनों की जाँच करने की बात कही है। और वहीं बीजेपी ने कहा है कि रवि जोशी दिग्विजय से दीक्षा ली है, रवि जोशी की ओर से दीक्षा ली गई है। और कांग्रेस मुस्लिमों को दंगों का डर दिखाकर वोट बैंक की राजनीति पार्टी की ओर से की जा रही है। तो वहीं चुनावी चरम पर है और चुनावी चरम के बीच में दंगों को लेकर सियासी दंगल अब शुरू हो गया है। और इसके साथ कांग्रेस विधायक को खरगोन दंगे की याद आई है, उन्होंने इसकी जांच की बात कही है। खरगोन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी और वर्तमान में विधायक रवि जोशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही दंगे की जांच करवाई जाएगी और इसी के साथ जो बाहर घूम रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे में इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों को तक नहीं छोड़ा जाएगा, यानी कि जो पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में दोषी पाए जाएंगे उनको भी बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और खरगोन में 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी के जुलूस के दौरान ये दंगा हुआ था। इसमें आगजनी, बलवा, पथराव और डकैती के कई मामले सामने आए थे। तो दंगों के मुख्य आरोपी समीरुल्ला उर्फ भाई साहब को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और मामले में कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था पुलिस की ओर से। तो इन दंगों के कारण खरगोन के जनता ने सबसे लंबी यानी कि 25 दिन तक कर्फ्यू झेला था खरगोन की जनता ने। तो इसी के साथ अब आपको बता दूं कि खरगोन दंगे को लेकर ये खबर सामने आई, जहां पर अब खरगोन दंगा जो है वो मध्य प्रदेश की सियासत का केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है।